ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि ये एक दिन के मनाने से नहीं होगा और हर दिन हर एक व्यक्ति को इसी रीति से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश को जब से पॉलिटिक्स आई है बहुत बुरा हाल हो चुका है। ब्रजभूषण पहलवानों को संघ ऐसे गलत काम करा तो उसको किसी भी, स्मृति ईरानी जो बाल विकास महिला आयोग की मंत्री है उसने भी कुछ नहीं बोला। मणिपुर में जो काम हुआ उसके लिए भी किसी ने कुछ नहीं बोला। हम शुरू से बच्चों से आधा किराया लेता हूँ, जिसके पास पैसे खुले नहीं हैं पैसे छोड़ देता हूँ। आज ये आपको टूट गया। ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि ये एक दिन के मनाने से नहीं होगा और हर दिन हर एक व्यक्ति को इसी रीति से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश को जब से पॉलिटिक्स आई है बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो जैसे मैं भी 2013 से आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, तो एक ही पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म है, हम सभी को संदेश देना चाहेंगे कि एक बार, ओनली वन, एक बार पूरा देश आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे, वोट करे और अरविंद जी प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि आज जैसे गंदगी हो रही है वो चीज़ ना हो सके। क्योंकि जब तक पार्टी के लोग पार्टी के मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ जब तक, इसलिए हमारा जो मानना है कि जैसे अभी किसान मर गए इतने सारे, तो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करा। ब्रजभूषण पहलवानों को संघ ऐसे गलत काम करा तो उसको किसी भी, स्मृति ईरानी जो बाल विकास महिला आयोग की मंत्री है उसने भी कुछ नहीं बोला। मणिपुर में जो काम हुआ उसके लिए भी किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आज 15 अगस्त है, तो अब आपने ऑटो को गुब्बारे की तरह जैसे सजाया, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि जब हम जिस समय यहाँ 2013 में आया था, मैं रोड में सो रहा था और हमने पॉलिटिक्स में कदम रखा, तो हमने पता नहीं था हमको पूरा क्या आज़ादी क्या होती है, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की इनकी जीवनी को पढ़ा, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा, भीमराव अंबेडकर को पढ़ा, तो पहले के जो लीडर होते थे वो क्या करते थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे, वो सारे लोग अपने आप को ख़त्म करे। लेकिन आज के समय क्या होता है कि लीडर लोग बच जाते हैं, पब्लिक को मरवाते हैं। नहीं, आज ये 15 अगस्त के ऊपर उपलक्ष्य में आपने ऑटो को क्यों सजाया, ये पूछना चाहता। ऑटो को इसीलिए सजाया कि मैं शुरू से देश से प्यार करता हूँ और मैं देश के लिए हर दिन सोचता हूँ, हर दिन काम करता हूँ। तो ये हम मैसेज देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं हम मंत्री बन जाएंगे तब करेंगे या MLA बन जाएंगे जब करेंगे। हम शुरू से बच्चों से आधा किराया लेता हूँ, जिसके पास पैसे खुले नहीं हैं पैसे छोड़ देता हूँ। आज आपके लिए क्या नया कुछ करने का उपराला है कि आपने आज 15 अगस्त तक क्या कुछ करना चाहेंगे आज? बस आज मैं ऑटो चलाऊंगा और सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को कदम उठाना पड़ेगा और एक अच्छा करने के लिए हर एक को अपने भारत देश के प्रति एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे कुछ आम जनता को? बस आम जनता को ये हम संदेश देना चाहेंगे कि जब हम भारत को अच्छा देखना चाहते हैं, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर जैसा, तो अपने आप को खुद अच्छा बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ऑटो है, इस तरह का ऑटो कोई भी नहीं है। तो जब सारे लोग अपनी जिम्मेवारियां निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा।